जी अच्छा जी, यहाँ पर हम क्लास 2 का फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाना आता है सबको? फोल्डर बनाना आता है आपको? आता है, सही है। अच्छा, शॉर्ट की अगर आपको मैं बताऊं फोल्डर बनाने की, तो आपके पास होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है? ये फोल्डर बनाने की शॉर्ट की है, CLASS-2, ठीक? सही है। फाइल का नाम क्या रखेंगे आप लोगों ने बताना है? इंडेक्स रखेंगे, सही है, index.html। ठीक है, ओके ओके। हमने जो अभी तक के टैग्स पढ़े थे, सही है, सबसे पहले हमारे पास HTML को लिखने के लिए, सबके पास सबसे पहले HTML का टैग होता है, सही है, उसको लिख लेते हैं HTML, ठीक। इसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड टैग्स होते हैं, कौन कौन से? हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, ठीक। ये आपके पास एक बेसिक सिंटेक्स है HTML को लिखने का, कम से कम इतना सिंटेक्स आपके पास पहले से होना चाहिए, ठीक है? ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ। आपने कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के, जो 1 का बटन है वो दबाना है, आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है? शिफ्ट दबा के 1 दबाना है, आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। जब इस तरह का आएगा, उसके बाद आपने दबाना है टैब, आपके पास एक बॉयलर प्लेट का कोड निकल कर आ जाएगा, जो आप इनिशियली स्टार्ट के लिए उसको यूज कर सकते हो। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपके पास मेटा वाले 3 टैग्स आ रहे होंगे ना, आपने इनको मिटा देना है। इसको मिटा दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लैंग en है इसको भी आपने हटा देना है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, और ये जो है इसको भी हटा देना है, ठीक है? जब टाइम आएगा हम ये पढ़ेंगे। ये आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड रेडी है। अच्छा, सेव पढ़ने के लिए, वैसे अगर आप इस पे जाओगे, सेव एस का बटन, सेव का इस पे क्लिक करोगे, फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा शॉर्ट की आपके पास है कंट्रोल सेव, क्लियर? ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास 2, CLASS-2, और एक हेडिंग में लिख लेते हैं H1 में क्लास 2, CLASS-2। सेव किया, कैसे रन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अगर आप इसको कॉपी पाथ करो तो आपके जो फाइल का पाथ है वो कॉपी हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी पाथ करा, कंट्रोल टी से न्यू टैब खुलेगा, और कंट्रोल वी से आपका जो फोल्डर की फाइल का पाथ है वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं एंटर मारता हूँ तो क्लास 2 रन हो गई। यहाँ तक किसी को जी, कंट्रोल वी, देखो दोबारा बताता हूँ। एक तरीका ये है, जो आपने फोल्डर बनाया था, सही है, उस पे गए और वहां जाके आपने एंटर मारा, ठीक है, एंटर मारोगे फाइल रन हो जाएगी, एक तरीका ये है, ठीक है? अगर इसको खत्म करना है तो कंट्रोल, कोई भी टैब आपके पास है क्रोम का, उसको खत्म करने के लिए कंट्रोल W,
वहां से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको रन करने का दूसरा तरीका ये है, जो भी आपकी फाइल है उस पे जाके आपने राइट क्लिक दिया, वो आपको बताएगा कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करोगे और ब्राउजर पे गए, कंट्रोल टी, और इसको रेंडर किया, ये आपके पास Class 2 रेंडर हो। किसी को यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? आगे बढ़े। तो उनको क्या हुआ? ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं बुक पर। हमने 2 चैप्टर कंटिन्यू कंप्लीट किए थे, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है लिस्ट, ठीक है। आपके पास, अगर मैं गूगल पे कुछ भी लिख रहा हूँ, अपना नेम लिख लेता हूँ, सही है। ये जो डेटा आपके पास सारा रेंडर हो रहा है किसी भी जगह से, ठीक है, ये एक किस्म की आपके पास लिस्ट रेंडर होती है। डेटा आपके पास जब भी किसी फॉर्मेट में रेंडर होता है ना, तो उसको आप लिस्ट कहते हो, ठीक है। तो उसके लिए, उसके पीछे जो काम हो रहा होता है, ठीक है, जो पीछे लिस्ट रेंडर हो रही होती है, वो इन्हीं टैग्स के जरिए हो रही होती है, ठीक है। हम इनको, इसको पढ़ते हैं। आपके पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक नंबर लिस्ट, दूसरी बुलेट लिस्ट और तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। ये दोनों आपकी मोस्टली यूज होती हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। आपके पास वो बता रहे हैं कि 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, आर लिस्ट, वेयर ईच आइटम इन द लिस्ट इन ए नंबर, इन द नंबर, सही है। जब आपके पास लिस्ट में आपके पास नंबर आ रहे होते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे टाइप की लिस्ट को आप कहते हो ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। जब आपके पास बुलेट टाइप की लिस्ट होती है, जो डॉट डॉट डले हुए होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहते हो? अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और आपके पास डेफिनेशन टाइप की जो लिस्ट होती है, उसको आप कहते हो डेफिनेशन लिस्ट। इसको, इसका क्या मतलब है, अभी हम आगे देखते हैं। Occasions when we need to use the list as to provide us with 3 types of list. Okay, and at the end of the class हम कुछ इस तरह का बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई कर लेता हूँ, सेव। सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? रिफ्रेश किया, ओके। अब मुझे एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं कोई 5 कोई भी फ्रूट्स के नाम लिख लेता हूँ। आपको लिस्ट को बनाने के लिए HTML में जो आपके पास टैग्स है ऑर्डर लिस्ट का, अभी हम OL बना रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट विच इज OL, ठीक है, स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और मुझे इसके अंदर बनानी है LI, LI स्टैंड फॉर लिस्ट। आपके पास जब भी कोई लिस्ट बनाओगे, ठीक है, उसका पेरेंट कंटेनर या तो OL होगा या कोई और होगा जिससे आपको लिस्ट बनानी होगी। अभी मुझे नंबर वाली लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट, तो जिसके लिए मैंने उसे यूज किया है OL को। जब भी, जो भी LI होगा, वो आपका किसी ना किसी लिस्ट कंटेनर के अंदर होगा। जैसे अभी लिस्ट कंटेनर कौन है? OL, क्लियर है। मैं इसमें कोई नेम लिख लेता हूं, अहमद, कॉपी 5 दफा कर लेता हूँ इसको, एच।
ठीक है, सेव करते हैं और इसको चला कर दे। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट रेंडर हो चुकी है जो कि ऑर्डर लिस्ट में आपके पास आई है, नंबर्स में। कोई कभी भी आपको इस टाइप की लिस्ट रेंडर करनी होगी तो आप यूज करोगे ओएल को। क्लियर है सबको? मसला तो नहीं समझ आ रहा? कोई सवाल है तो पूछ। ठीक है, ओके। अब हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, इसके नीचे भी मैं, अच्छा एक और चीज, ये तो वैसे अभी मैंने करके दिखा दिया, लेकिन फिर वही चीज, अगर मुझे एल आई के टैग्स 5 बनाने हैं एक साथ, चलो ठीक है हम नीचे वाली लिस्ट में बना लें। ठीक है, अब मुझे बनानी है बलेट लिस्ट। बलेट लिस्ट के लिए मैं यूज करूंगा अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास होता है यूएल, विच स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने क्लोज करा। अब मुझे इसके अंदर भी 5 एल आई बनाने। ठीक है, एक तो ये है कि मैं एक बना लूं और 5 को कॉपी कर दूं। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये कर सकते हो, एल आई लिखा मैंने, उसके आगे लिखा मल्टीप्लाई का साइन और उसके आगे लिखा 5। ठीक है, एल आई मल्टीप्लाई 5। अब अगर मैं टैप करूंगा तो वो मुझे उसमें 5 एल आई बनाकर दे दिए। ठीक है, इसमें मैं फ्रूट्स नेम लिख लेता हूँ। सेव किया। अब आपके पास जो दूसरी लिस्ट रेंडर हुई है, विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। कभी भी आपको जब इस तरह की लिस्ट देखो तो आप, कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आप बता सकते हो कि ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, और ये लिस्ट कौन सी है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, सबको क्लियर है? एल आई का जो भी टैग होगा वो किसी ना किसी लिस्ट कंटेनर के अंदर आएगा, विच इज या तो ओ एल या तो यू एल। ठीक है, ओएल हमने रीड कर लिया है, वो भी इसी तरह बता रहा है। ओएल के अंदर जो है इन्होंने एल आई लगाए हैं, तो इस तरह का वो उनके पास आउटपुट निकल कर आ रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया ये उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट फिर उन्होंने बनाया है, यूएल का टैग यूज किया है, यूएल के अंदर जैसा मैंने यूज करा है एल आई, सही है, सेम चीज उन्होंने यूज करी है, बिल्कुल सेम आउटपुट। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन लिस्ट पर। ठीक है, ठीक है, डी, ठीक है, जब भी आपको डेफिनेशन लिस्ट बनानी होगी, सही है, उसके अंदर डेफिनेशंस आ रही हैं, इसी भी कभी भी इस टाइप का डेटा रेंडर करना होगा तो आपके पास जो पेरेंट कंटेनर होगा, जैसे कि ओएल और यूएल है, इसके पास आपके पास है डीएल, स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले कंटेनर आपके पास ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वो क्या बता रहा है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहा है डीटी, स्टैंड फॉर जो भी आपकी डेफिनेशन का हेडर है, जो भी आपकी डेफिनेशन का हेडिंग है। ठीक है, उसके लिए डी टी स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म। मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, ये सही है। और उसके बाद अगर आपको उसके अंदर उसका डेटा लिखना है, यानी कि उसी डेफिनेशन को लिखना है, तो उसके लिए आपके पास आता है डी डी, डेफिनेशन डेटा। ठीक है, आपको डेटा डेफिनेशन की हेडिंग के लिए यूज करोगे डी डी, और उसके डेटा के लिए यूज करोगे डी डी, स्टैंड फॉर डेफिनेशन डेटा। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या कह रहा है, दिस इज यूज टू कंटेन द टर्म बीइंग डिफाइंड द डेफिनेशन टर्म, और इसको दिस इज यूज टू डिफाइन, दिस इज यूज टू कंटेन द डेफिनेशन डेटा। ओके, यहां पर आता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी, अभी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। इंजीनियर इन यूबीएस टेक सी एच। ठीक, और मैं जो हूं, ठीक है, इस तरह के एक दो और बना लेता हूं।
दूसरा यहां मैं लिख देता हूँ कोई और नाम, एजाज UI/UX। तीसरी बना लेता हूँ, कॉपी करा, और ASRA सेव किया और वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और नीचे जाके जब मैं देखूँ तो मेरे पास डेफिनेशन टाइप का डेटा उसने लाकर दिया है, जिसमें अहमद जिसकी डेफिनेशन उसने नीचे दी हुई है कि भाई ये सीनियर सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर, ठीक है, और एक और हेडिंग दी हुई है, फिर उसका डेफिनेशन का डेटा बताया हुआ है, और एक और हेडिंग दी हुई है। जितनी डेफिनेशन आप इसमें दोगे आपको हेडिंग के लिए यूज करना पड़ेगा DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म और DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डेटा। इसमें किसी का कोई सवाल है तो बता दे, हो जाएगा सबसे। नेस्टेड लिस्ट ये कैसे करेंगे? कभी आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी कंपनी में कितने डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, उनके नाम लिखो, सही है। अब मैंने बोला कि मेरे अंदर भी तीन आते हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, तो ऐसे अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हुई, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी हुई, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, आपके अंदर जो आपके पास जो वेबसाइट में इस तरह का नेविगेशन बार आ रहा होता है, कभी कभार जब आप इस पे होवर करते हो या क्लिक करते हो, वो जो लिस्ट रेंडर होकर आती है वो भी इसी तरह होती है, असल में उसके पीछे ये काम हो रहा होता है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला। ये कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मैं एक बना देता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है, इसके अंदर मैं बना लेता हूं LI मल्टीप्लाई 3, ठीक, RI अमेरिका पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया, ठीक है, इसको रेंडर कराते हैं, क्या हमारे पास आउटपुट निकल कर आ रहा है? ठीक है, हमारे पास लास्ट में जो डेटा रेंडर हुआ है, मुझे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की Top 3 टेक्निकल कंपनीज दिखानी है, ठीक है, वो मैं इसके अंदर कैसे दिखाऊंगा? जैसे कि वो ये बता रहा है ये, ठीक है, मुझे इसके अंदर की तीन या जितनी भी ज्यादा उस आप जितनी भी ज्यादा रेंडर कराना चाहो करवा सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? कोई चेंजेस नहीं है, जो आपका डेटा है, डेटा क्या मतलब, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक किस्म का आपका डेटा कहलाता है, ठीक है, उसके नीचे आप एक और UL बनाओगे, ठीक है, ये UL अब एक किस्म का नेस्टेड कहलाएगा, किसका, पाकिस्तान का जो LI है, ठीक है, ये वाला जो UL है जो लाइन नंबर 45 पे बना हुआ है, ये अब नेस्टेड UL कहलाएगा, किसका, पाकिस्तान के LI का, ठीक है। इधर मैं आता हूं, इधर मैंने लिखा LI मल्टीप्लाई 3 टैब, सही है, यहां मैं लिख देता हूँ TBS टेक, सही है, दूसरे नंबर पे आता है 10 PEA पर्ल्स, सही है, सिस्टम्स LTD, ठीक है, सेव करते हैं और अब इसको चला कर, रिफ्रेश किया मैंने और अब मेरे पास पाकिस्तान के अंदर तीन सब नेस्टेड लिस्ट हैं, जो कि बता रहा है कि भाई इस डेटा के अंदर आपके पास ये तीन सब नेस्टेड डेटा है, ठीक है। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है कोड से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड तो वो बताए, नहीं तो फिर मैं सवाल करता हूँ, फिर आप बताओ, कोई सवाल है, सब क्लियर है? देखो भाई
बिल्कुल छे लोग बैठो, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल कुछ। वो चीज हम करेंगे, वो चीज हम करेंगे, वहां तक हम भी हम गए नहीं, वहां तक हम गएंगे। आपके पास इधर आ रहे डेटा सारे जैसे मेरे पास उधर हुआ है। हाँ वो सही है, हम सेंटर में करेंगे डेटा सब, बल्कि जहां आपका दिल चाह रहा होगा ना वहां भी आएगा। सही है, वहां तक अभी पहुंचेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी जो है, ठीक है, इसकी सिस्टम लिमिटेड की, इसकी है 3 ब्रांचेस। इसके अंदर बताए कराची ब्रांच, लाहौर ब्रांच, इस्लामाबाद ब्रांच, वो कैसे करेंगे? सिस्टम अनलिमिटेड के अंदर एक यूएल बनाएंगे, उसके अंदर एलआई बनाएंगे, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। या यूएल एलआई मल्टीप्लाई 3, ठीक, कराची ब्रांच, इस्लामाबाद ब्रांच, लाहौर ब्रांच, सेव। अब आपके पास जो पाकिस्तान का डेटा है उसके अंदर 3 बड़ी कंपनीज के नाम आ रहे हैं, और जिनके अंदर ब्रांचेस हैं उनके अंदर वो उसकी ब्रांचेस भी दिखा रहे हैं कि भाई इस कंपनी की 3 ब्रांचेस हैं यहाँ यहाँ। ठीक है, ये आपकी ऑर्डर वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, जो कि इस पे भी अप्लाई हो सकती है और नंबर लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, क्लियर है सबको? आपको समझ आ रहा है? कोड नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहे हैं। जब आपके पास पहले टाइम पे नेस्टेड लिस्ट ओपन होती है ना, तो वो इसको इस तरह ही दिखाता है। अब इसके अंदर जो स्क्वायर आएंगे वो इस तरह आएंगे, और तीसरे टाइम पर जब वो आता है तब वो इस तरह स्क्वायर बॉक्स की तरह दिखाता है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो हम करेंगे। ठीक है, इनकी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब आप काम करने बैठोगे तो आपको बताए जाएंगे कि आपने किस तरह के डॉट्स लगाने। सही है, सारे ऑप्शंस आपके पास इनेबल होंगे। बाद में स्क्वायर आ रहा है, फिर आगे जाएंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, आपके पास ये आपने बनाना है। ठीक है, इसको गौर से देखते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बोल रहा है। एक हेडिंग दी हुई है, सही है, एक H1 आपने यूज कर लिया, ठीक है, उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फिर उन्होंने एक H2 दिया हुआ है, या जो भी हेडिंग दी हुई है उसके अंदर अब उसने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की हुई है। क्लियर है? ओके, फिर हमारे पास उन्होंने एक हेडिंग दी हुई है और उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर लिस्ट यूज की हुई है। बन जाएगा ये? बन जाएगा जी भाई। क्लियर है? बन जाएगा? आगे बढ़े या प्रैक्टिस करोगे? बताओ, आगे बढ़े या प्रैक्टिस करोगे? पहले सारे बताओ, प्रैक्टिस करोगे ना? सही है, आप लोग ऐसा करोगे, सिस्टम खोल लो अपने अपने, और जब तक मैं मल्टीप्लाई 5 टैब, LI मल्टीप्लाई 5 टैब करने से नहीं आ रहा? हाँ तो सही है, फिर इस सिस्टम में नहीं चलता होगा, मेरे पास पेड है ना असल में। अच्छा, आज हमने जो चैप्टर रीड करा है अभी, उसका नाम है लिस्ट। आपके पास अगर हम यहाँ पर देखें,
इंटरनेट पे या किसी भी जगह पे आपके पास जो डेटा रेंडर हो रहा होता है ना, वो सारा आता है लिस्ट में। ये एक किस्म की सारी लिस्ट होती है, ठीक है। इसके पीछे ये जो एक साथ सारी आ रही है, तो ये किस तरह रेंडर हो रही होती है ये हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसमें आपके पास तीन किस्म की लिस्ट होती है, एक नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, और एक आपके पास होती है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। हम सबसे पहले जाते हैं नंबर लिस्ट पर, ठीक है। जो काम मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले HTML लिखने के लिए HTML का पेरेंट टैग क्रिएट करना होगा, विच इज दिस। उसके बाद हेडर, नॉट हेडर, हेड, ठीक। इसके अंदर हम यूज करेंगे बॉडी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं क्लास टू, यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके अंदर हम यूज करते हैं टाइटल, टाइटल क्लास डैश टू। और इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक H1, लर्निंग लिस्ट, ठीक। सेव किया, वापस आते हैं, क्लियर। अच्छा, ये आपके पास एक बेसिक बॉयलर प्लेट है HTML को रेंडर करने के लिए, ठीक है। तो ये जब आपको याद हो जाए कि भाई हाँ इतना काम मुझे करना आता है, तो फिर आप यूज करोगे, आपके पास शॉर्ट कीज है, शिफ्ट दबा के बंद दबाओगे, ठीक है, और उसके बाद टैब दबा दोगे, ठीक है। वो कुछ इस तरह का आपको बनाकर दे देगा, जिसके बाद आपको क्या करना है, मेटा वाले जो तीन टैग्स आ रहे हैं सबसे पहले उनको रिमूव करना है। HTML के बाद कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसको आपको यूज नहीं करना है, इसको भी आपने हटा दिया, और जो ये लगा हुआ होगा इसको भी आपने हटा देना है, ठीक है। बिल्कुल वो जो अभी बना के दिखाया था वो रेंडर हो चुका है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं क्लास टू डैश टू, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले लिस्ट वो कौन सी बता रहा है, नंबर लिस्ट, ट्रेंडिंग लिस्ट। नंबर लिस्ट स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, यानी कि लिस्ट विथ नंबर्स, वन पे ये है, टू पे ये है, थ्री पे ये है। उसके लिए आपके पास HTML में जो टैग होता है विच इज OL, ठीक है, स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, जितनी भी आपके पास लिस्ट का डेटा होगा उनका कोई पेरेंट कंटेनर होगा। ऑर्डर लिस्ट जब भी आपको बनानी है तो उसका पेरेंट कंटेनर OL है, ठीक है। इसके अंदर मुझे लिस्ट का डेटा रेंडर करना है, ठीक है। तो लिस्ट का डेटा रेंडर करने के लिए मुझे लिस्ट का टैग रेंडर करना होगा, जो बनेगा LI से, LI स्टैंड फॉर लिस्ट, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया कोई भी, अभी टैग का नाम लिख देता हूँ गूगल, ठीक है, पांच लिख देता हूँ कोई भी, दो तीन चार, ठीक। ठीक सेव करता हूं, और अब मेरे पास एक हेडिंग है और एक ऑर्डर लिस्ट बन गया, सही है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है, सही है। कोई भी आपने जब नंबर लिस्ट रेंडर करनी होगी तो आपको काम करना होगा ऑर्डर लिस्ट पर, विच स्टैंड फॉर OL, सही है। और उसके अंदर जो आपके पास लिस्ट का डेटा के लिए टैग यूज होगा विच इज LI, क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है बलेट लिस्ट, जो आपको कुछ इस तरह दिखती है। वो आपको बता रहा है ऑर्डर लिस्ट के लिए उन्होंने ये यूज किया है, जो मैंने अभी यूज करके बताया है। इस तरह आप कोई भी लिस्ट बना सकती है, ठीक है। अब हम बनाते हैं बलेट लिस्ट, ये मुझे इंस्टेड ऑफ नंबर्स मुझे बलेट यूज करने हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप यूज करोगी UL, सही है। ये आपका पेरेंट कंटेनर है जब आपको लिस्ट बनानी हो अनऑर्डर्ड, यानी के बलेट्स वाली, ठीक है। और अब मुझे इसके अंदर भी LI पांच बनाने हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई नहीं बताई थी, बता देता हूं, LI मल्टीप्लाई फाइव, इस तरह का आपने लिखना है, और उसके बाद आपने दबाना है टैब, वो आपको पांच LI क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी फ्रूट्स लिख लेता हूँ अभी, फल, ठीक
नाना, मैंगो, ग्रेप्स, डेट्स। सेव करता हूँ और अब मेरे पास जो डेटा रेंडर हो रहा है वो आपके पास बुलेट लिस्ट में हो रहा है, विच स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में सवाल हो सकता है कि ये किस टाइप का डेटा है और ये किस टाइप का डेटा है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट डेटा है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट का डेटा है। ठीक है,